इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी फ़ोटो की हम शेप कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फ़ोटो है, इसकी हम शेप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। इसे कटिंग करने के लिए ये टूल हम लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इसको पहले जूम करेंगे, जूम करने के लिए कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा इस तरह से। अगर जूम आउट करना है तो हमें कंट्रोल और स्पेस और एल्ट भी साथ में दबाना होगा तो ये जूम आउट हो जाएगा इस तरह से। सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं, फिर हम इस टूल के अंदर जाएंगे कटिंग करने के लिए और यहाँ से जूम करके इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जहाँ भी हमें राउंड करना है तो हमें एल्ट दबाते रहना है। एल्ट दबाने से, जैसे ये एल्ट दबाया तो हमने, तो ये शेप आ गई हमारी। जैसे ये देखो, ये शेप एल्ट दबाने से ये शेप आ जाएगी हमारे पास इसकी। इस प्रकार से इसको पहले कटिंग कर लेना है हमें। इस तरह से जैसे हमारे पास ये कटिंग हो गई, ये हमने सेलेक्ट कर लिया इतना। अगर हम इसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि ये भी इसके अंदर आ जाएगी। शिफ्ट दबाएंगे तो ये भी इसके अंदर भी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये अलग कटिंग हो जाएगी अपनी इस तरह से। अब ये दोनों एक साथ कटिंग हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मूव टूल में जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे इस तरह से। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एल्ट दबा के और एल दबाएंगे, फिर वापस एल्ट और एल दबाएंगे इस तरह से, ये डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास ये फ़ोटो बची है, अब इसकी हम शेप बनाएंगे। शेप बनाने के लिए लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ से हम कोई भी इसकी शेप के अंदर ग्रेडियंट ले सकते हैं इस तरह से। आप इसके अंदर ब्लैक ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, जैसे ऑल ब्लैक के अंदर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से ब्लैक कोई भी इसकी शेप ले सकते हैं। अगर हमें इसके अंदर ग्रेडियंट नहीं यूज़ करना तो आप सीधा भी इसका शेप बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे और कंट्रोल एम दबाएंगे और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। फिर हम कंट्रोल एम करेंगे और फिर वापस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। फिर कंट्रोल एम और वापस इसको ऊपर इस तरह से लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम शेप बना सकते हैं। इसके पीछे अगर हमें छाया देनी है तो वो भी दे सकते हैं। इसकी कॉपी कर लेंगे और अब इसको कंट्रोल टी से इसको नीचे कर लेंगे इस तरह से। अब इसको इसके पीछे लेके जाएंगे कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट से, ये इसके पीछे चला गया। और अब क्या करेंगे, हम नंबर की से नंबर दबाएंगे, जैसे हम एक या दो नंबर दबा देंगे इस तरह से, और हम कंट्रोल टी करके इस शेप को बढ़ा देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से अब कोई भी पिक्चर का हम शेप बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।